दोस्तों अगर आपका बजट 7 या 7.5 लाख के आसपास में आपका बजट है और कोई आप SUV गाड़ी ढूंढ रहे हैं ना जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा खासा मिले बट ज़्यादा बड़ी ना हो, ज़्यादा छोटी भी ना हो, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। कौन सी गाड़ी है दोस्तों? ये है हुंडई का एक्सटर। और वेरिएंट की बात करेंगे तो वेरिएंट दोस्तों बेस मॉडल है, बेस से थोड़ा ऊपर वाला मॉडल है, EX ऑप्शनल करके आता है। जो इसका बेस मॉडल है वो EX करके आता है, बट इसका जो ये वाला वेरिएंट है ये ऑप्शनल के साथ आता है। ऑप्शनल क्या चीज़ है वो आपको इस वीडियो के अंदर में आपको जानने के लिए मिल जाएगा, तो वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों फ्रंट से। तो ये जो पॉपुलर है ना भाई, इसकी डिज़ाइन से, डिज़ाइन यहाँ पे बहुत बॉक्सी टाइप का रखा गया है जिससे काफ़ी एक अट्रैक्टिव लुक आता है और प्रॉपर जो है एक SUV लुक देता है। यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे जो है सामने पहले ही आपको जो है एक्सटर लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि हुंडई की एक पहली कार, एकलौती कार है जिसमें सामने भी इसका गाड़ी का नाम लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखेंगे इसके हेडलाइट्स में जो है, सॉरी यहाँ पे जो DRLs देखेंगे ना, तो DRLs नहीं है दोस्तों, डमी है। तो बेस मॉडल है इसलिए बेस मॉडल में कोई यहाँ पे DRLs नहीं आता, इससे ऊपर वाले मॉडल से DRLs स्टार्ट होता है। बाकी अंदर जो है हैलोजन में इंडिकेटर है और हेडलैम्प्स यहाँ पे हैलोजन में मिल जाता है। पायलट लैम्प है, देख सकते हैं छोटा सा अंदर की तरफ। बाकी ग्रिल ये भी दोस्तों मैट ब्लैक फिनिशिंग में है, मतलब कि इससे ऊपर जो वेरिएंट आता है उसमें दोस्तों पियानो ब्लैक फिनिशिंग में ग्रिल मिलती है। बाकी नीचे की तरफ देखेंगे तो एयर डम्प मिलता है बढ़िया सा, ताकि इंजन को ठंडा रख सके। फ्रंट में दोस्तों यहाँ पे सिल्वर कलर का अपना स्किड प्लेट मिल जाता है। तो ये था दोस्तों फ्रंट से गाड़ी, और अब आपको कार का एक बार साइड प्रोफाइल दिखाते हैं। तो साइड से भाई कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, ज़बरदस्त है। यहाँ पे बॉक्सी टाइप का डिज़ाइन है, काफ़ी बड़ी लंबी 3815 mm गाड़ी की जो है लंबाई मिल जाता है। और व्हील्स यहाँ पे हब कैप के साथ है, देख सकते हैं। और टायर का जो प्रोफाइल है वो 165/70 R14 के यहाँ पे मिल जाता है। तो ये था स्टील रिम के साथ यहाँ पे मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में दोस्तों ड्रम ब्रेक्स आते हैं, फेंडर पे इंडिकेटर, मिरर यहाँ पे बात करेंगे तो मिरर दोस्तों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलता है, ना ही फोल्डेबल मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये बेस मॉडल है। ए पिलर ब्लैक टिप्ड आउट है, बी पिलर बॉडी कलर में आता है, और ब्लैक कलर के दोस्तों यहाँ पे डोर हैंडल्स यहाँ पे मिलता है। फ्यूल टैंक यहाँ पे 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि नॉर्मली इसके जो हैचबैक की गाड़ी आती है हुंडई की, सेम वही कैपेसिटी के साथ यहाँ पे मिलता है। बाकी ये पोर्शन है, यहाँ पे भी थोड़ा सा टेक्चर यहाँ पे मिलता है जो कि आपको छूने से फील होगा। बाकी ये जो भी आपका जो है मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ है। टेल लाइट्स यहाँ पे देखेंगे तो टेल लाइट्स यहाँ पे LED में H शेप में जो DRLs है रियर वाला वो आपको मिल जाता है, मतलब LED में H ये ग्लो करता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप बात करेंगे इसके इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों अपना ब्रेक लाइट हैलोजन में दिया गया है, और रिवर्स लैम्प भी यहाँ पे मिलता है, जबकि यहाँ पे बेस मॉडल है लेकिन फिर भी यहाँ पे रिवर्स लैम्प दिया गया है कैमरे के ना होने के बावजूद भी। तो ये था दोस्तों कार का रियर। अब आपको इसका बूट दिखाते हैं। तो बूट ना यहाँ पे भाई ज़बरदस्त स्पेस मिलता है, ज़बरदस्त मतलब कि यहाँ पे भाई 391 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी पार्सल ट्रे यहाँ पे मिलेगा नहीं, बट यहाँ पे जगह दे दिया है, आप यहाँ पे परचेस करके यहाँ पे लगवा सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी मैटिंग आपको जो है गाड़ी के साथ ही मिल जाती है, और भी अच्छा है। और रिफ्लेक्टर हो गया, बाकी स्टेपनी देखेंगे तो सेम साइज़ का दोस्तों 165/70 R14 का यहाँ पे स्टेपनी मिल जाता है स्टील रिम के साथ। तो ये था दोस्तों बूट के बारे में। बाकी यहाँ पे हैंडल्स भी है बंद करने के लिए, करते हैं इसको बंद। अब आपको कार का इंटीरियर दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डोर में अगर आप नज़र देंगे ना, तो डोर ऑल इंटीरियर यहाँ पे ब्लैक मिलने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी अलग अलग कलर का यहाँ पे सीन नहीं है, ऑल ब्लैक है। यहाँ पे दोस्तों टेक्चर है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे फ्रंट के पावर विंडो आता है, बेस मॉडल है। बाकी मैनुअल सेंटर लॉकिंग यहाँ पे मिल जाता है। बाकी कीज़ की बात करेंगे ना, तो भाई कीज़ आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलती है, रिमोट में आपको जो है लॉक अनलॉक और बूट रिलीज करने वाला बटन के साथ ये मिलता है। तो ये था। और बाकी मिरर एडजस्ट यहाँ से होता है दोस्तों मैनुअली कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे सीट देखेंगे तो सीट अगर आप बेस मॉडल भी लेते हैं ना, तो बेस मॉडल में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, ये बहुत अच्छा है। बाकी सीट जो है ऑल यहाँ पे फैब्रिक में आपको मिलता है, कुशनिंग भी डिसेंट है, और एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, देख सकते हैं। फिक्स्ड हेडरेस्ट आते हैं फ्रंट के, अंदर बैठते हैं फिर फीचर्स दिखाते हैं। तो यहाँ पे वेरिएंट की बात करेंगे तो ये दोस्तों वेरिएंट है, ये EX ऑप्शनल वेरिएंट है, यानी बेस मॉडल तो है ही है बट इसमें ऑप्शनल एक चीज़ है, वो क्या है? वो ये है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल दोस्तों यहाँ पे जो है ट्रैक्शन ये वाला डिसेबल करने वाला बटन यहाँ पे मिल जाता है, ये दोस्तों ऑप्शनल है। अगर आप बेस मॉडल लेते तो यहाँ पे ये वाला बटन नहीं मिलता। बाकी हेडलाइट लेवल करने वाला बटन हो गया। स्टेयरिंग देखेंगे तो राउंड शेप में है कुछ इस तरीके से। बाकी जो है स्टेयरिंग यहाँ पे बेस मॉडल है इसलिए फिक्स्ड है। इधर अपना वाइपर वाले फंक्शन, इधर अपना जो है हेडलाइट्स का फंक्शन हो गया। बाकी क्लस्टर देखेंगे
बेस मॉडल है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त यहाँ पे क्लस्टर मिलता है, प्रॉपर डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। बाकी जो है सेटिंग्स वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये वाला बटन प्रेस करके। तो ये था दोस्तों क्लस्टर के बारे में। बाकी म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं आता है, बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल में आप म्यूजिक सिस्टम लगा लीजिए, पूरा गाड़ी कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे डैशबोर्ड देखेंगे ना, तो डैशबोर्ड में यहाँ पे ये जो है यहाँ पे टेक्चर है, अलग ही यहाँ पे टेक्चर मिलता है। बाकी एसी वेंट वही ग्रैंड एटी न्योस की तरह यहाँ पे मिलता है, देख सकते हैं। और पार्किंग वाला लाइट हो गया, इधर मैनुअल एसी हो गया, और यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो 12 वोल्ट के लिए आउटपुट एक पॉइंट मिलता है, पावर पॉइंट। बाकी जो है अलग से कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया गया है, स्पेस फोन रखने के लिए। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है एक रिवर्स के साथ, लेदर है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ग्रे फिनिशिंग है, ऑल ग्रे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो हैंड ब्रेक हो गया, बॉटल होल्डर, थोड़ा स्पेस यहाँ पे भी, इधर भी स्पेस। रियर एसी वेंट दोस्तों इसमें नहीं आता है, हालांकि बेस मॉडल है, और यहाँ पे स्पेस थोड़ा। अंदर भी सिंपल ग्लोव बॉक्स मिलता है, मिरर एकदम सिंपल वाला मिल जाता है, IRVM जो है। और यहाँ पे सिंपल आपको जो है सनवाइजर मिलता है इस गाड़ी में, और बाकी साइड में जो है टिकट होल्डर मिलता है। इधर जो है अपना लाइट मिल जाता है, हैलोजन में है, देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों कार के इंटीरियर के बारे में। एक बार रियर केबिन दिखाते हैं, फिर इसका प्राइस बताते हैं आपको। तो मैं बैठ चुका हूँ दोस्तों पीछे वाले जो है केबिन में। तो यहाँ पे पीछे जो है केबिन में देखेंगे तो सबसे पहले जो डोर है ना, डोर का जो ग्लास एरिया है वो काफ़ी आपको यहाँ पे चौड़ा मिलता है। यहाँ तक जो है आपको जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है ग्लास एरिया आपको मिल जाता है, जिससे अंदर का जो केबिन का स्पेस है ना वो खुला खुला सा महसूस होता है। बाकी यहाँ पे भी फिनिशिंग है, देख सकते हो वही टेक्चर के साथ है। पीछे वाले जो विंडो है वो मैनुअल है घुमाने वाले। बाकी यहाँ पे जो डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पे ग्रैब दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो है बॉटल जो है 1 लीटर के आसपास में यहाँ पे आ जाएगा, बॉटल होल्डर है। और सीट बैक पॉकेट दोनों में नहीं आता है। और इस तरीके से यहाँ पे जो है अपना इंटीरियर है रियर वाला। बाकी जो है हेडरेस्ट आपको जो है एडजस्टेबल मिल जाता है रियर वाला। तो ये था दोस्तों कार का रियर केबिन, हेडरूम और लेग रूम। भाई लेग रूम डिसेंट है, बट हेडरूम जो है ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हेडरूम आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल देख सकते सॉफ्ट, यहाँ पे क्लोजिंग के साथ आता है। बाकी यहाँ पे हुक दिया गया है इस साइड में, बट उस साइड में आपको जो है हुक नहीं मिलता है। तो बात करेंगे दोस्तों इसकी, सबसे पहले कीमत से पहले एक इसका माइलेज भी बता देता हूँ। माइलेज अगर आप इसमें आप मानते हैं ना पेट्रोल में अगर यूज़ करते हैं, तो पेट्रोल में लगभग ये 16 से 17 के आसपास में माइलेज निकाल देते हैं। ज़बरदस्त माइलेज है, जो माइक्रो SUV है उसके हिसाब से जो माइलेज है बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे जो इंजन की बात करेंगे ना, इस इंजन इसमें आपको वही सेम इंजन आता है जो ग्रैंड एटन न्योस i20 में आता है, तो सेम इंजन वही आपको यहाँ पे मिलता है। 1.2 लीटर कप्पा इंजन 83 PS पावर जनरेट करता है और 113 Nm के टॉर्क के साथ। तो माइलेज बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी का। अब बात करेंगे इस कीमत की, तो एक्सशोरूम जो कीमत है 6,35,400 एक्सशोरूम कीमत के साथ ये गाड़ी मार्केट में उतरती है। और ऑन रोड की बात करें, अगर आप उत्तराखंड से परचेस करते हैं रुद्रपुर से, तो लगभग ये गाड़ी आपको 7,43,000 में ऑन रोड बैठ जाती है। बाकी जो है इसका, अगर आप गाड़ी परचेस करना चाहते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे दिया है, वहाँ से आप चेकआउट करके गाड़ी को बुक करा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।